वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और कैसे हैं? तो दो तीन दिन वीडियो नहीं आया, आज थोड़ा मैं ठीक हूँ समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आपको आज। और ये वीडियो है इस वर्लपूल कंपनी की, ये पीसीबी है, देखिए आप, ये वाला इसका रिमोट है वर्लपूल कंपनी का। और इसमें जो प्रॉब्लम ये मैकेनिक साहब बता रहे हैं, वो मैकेनिक साहब ये कह रहे हैं कि ये कंप्रेसर को 3 मिनट चलाता है फिर ये बंद कर देता है। तो ऐसी जो ये परेशानी होती है अक्सर क्या है, ये सेंसर में ही होती है। तो अब अपने पहला काम इसका यही करेंगे कि इसका सेंसर चेक करेंगे कि सेंसर में प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ में है। बाकी पीसीबी ये ऑन है, लेकिन ऑन करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए पीसीबी बिल्कुल ऑन कंडीशन है, ये 16 टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर भी उन्होंने कम कर दिया कि भी कंप्रेसर बंद नहीं हुए लेकिन हो रहा है। तो मैं टेम्परेचर थोड़ा इसका अप कर देता हूँ। ये 16 पे आ गया टेम्परेचर देखिए, और मैं अब इसको अप डाउन कराता हूँ। ये अप डाउन भी ये 21 कर दिया मैंने इसका टेम्परेचर, तो 21 खूब होता है, 21 पे ये सही चलना चाहिए। लेकिन ये अब E6 आ गया, E6 ये मोटर का आ रहा है दोस्तों, तो मोटर का कोई अपने को इशू नहीं है। अपने को पहला काम है सेंसर इसके चेक करने कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं मोटर को ले लिया हूँ और ये सेंसर में हटाता हूँ, सेंसर की वैल्यू चेक करते हैं, सेंसर की वैल्यू चेक करते हैं। तो ये देखिए 7.47 ये बता रहा है, तो ये वाला सेंसर बिल्कुल क्लियर है। तो ये वाला सेंसर कौन सा है? ये वाला सेंसर ट्यूब सेंसर है, ट्यूब सेंसर बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरे सेंसर में जाते हैं दोस्तों, रूम सेंसर में। अब देखिए रूम सेंसर के अंदर इसका जो मान आ रहा है वो गेमा आ रहा है, लेकिन 3.595 ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये मिस हो रहा है, रूम सेंसर जो है ये मिस हो गया है ये। अब मेरे पास ऐसा ही एक रूम सेंसर देखिए, ये दूसरा है, तो ये मेरा चालू है, तो इसकी वैल्यू नापते हैं कि इसके बराबर है या ऊपर नीचे है। तो ये देखिए 6.82 के में ये वैल्यू दिखा रहा है, तो मेरा ये सेंसर खराब है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने सेंसर मेरा जेक से डिस्कनेक्ट कर लिया, और दूसरा ये मैं लगा रहा हूँ। और दोस्तों कई पीसीबी को मैं देखता हूँ, मैं मैकेनिक सेंसर को चेंज तो कर लेते हैं लेकिन ये सोल्डिंग नहीं करते हैं, सोल्डिंग नहीं करते हैं तो वो डिसकनेक्ट हो जाता है वापस, या उसकी वैल्यू सही नहीं रहती है। तो इसमें सोल्डिंग करना बहुत कंपलसरी होता है। जब भी आप सेंसर को कोई वायर से जोड़ें तो आप ज़रूर इसको सोल्डिंग ज़रूर कर लें, ताकि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो। और दोस्तों मैं बीच में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाएं दोस्तों, घंटी वाला, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत। और दोस्तों ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, इनको थोड़ा समझ लेने आप, ताकि आपको ये हमेशा के लिए यूजफुल रहें और आप काम कर सकें। तो मैं दोस्तों इसके टेप भी थोड़ा करता हूँ, ताकि ये शॉर्ट भी नहीं हो और नमी में भी ये शॉर्टिंग पैदा नहीं हुए। तो दोस्तों मैं इसको सोल्ड कर दिया हूँ, और ये वापस से मैं इसको जेक को लगा देता हूँ, और मैं थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ। बाकी तो ये वैसे तो ओके है, और एयर कंडीशन में लगेगी ये जब भी इसका क्लियर हो पाएगा, वरना क्लियर हो पाना मुश्किल होता है काउंटर पे। लेकिन एक बार देख लेते हैं
किस मोड पे है और ये क्या है। तो ये किस टेम्परेचर है ऑन हो गई है पीसीबी। तो दोस्तों ये अभी E6 का एरियर आ गया, मैंने मोटर लगा नहीं रखी है लेकिन मेरी पीसीबी क्लियर है, इसलिए मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।